डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस पूरी सीरीज़ में मैं ट्रिग्नोमेट्री के हर एक टाइप का इक्वेशन कवर करने वाला हूँ और इस फर्स्ट पार्ट में सिर्फ पहले टाइप के इक्वेशंस के लिए कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन का टाइप है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको पता होनी चाहिए हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सारे डिग्रीज पे सारे फंक्शंस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, दिस इज √3/2, 1। और कोस थीटा के लिए ये वैल्यूज यहाँ से लिखने स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा ये, मतलब साइन से उल्टा होता है कोस के वैल्यूज, देन फिर आएगा ये, देन उसके बाद नेक्स्ट 1/2, देन उसके बाद 0। एंड टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहां पे टेन थीटा होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा 0/1, दैट इज 0। सिमिलरली इन सबको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/√3, 1/√3, एंड यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। याद रहे, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये इन्फिनिटी भी होता है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। एक बार इन्फिनिटी भी ऑप्शंस में आया था SSC के एग्जाम में, तो नॉट डिफाइंड होगा कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। और अगर आपको साइन थीटा का पता है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। मतलब अगर साइन 31/2 है तो कोसेक होगा 2/1। अगर साइन 45 1/√2 है तो कोसेक होगा √2/1, मतलब इसका उल्टा होगा। सिमिलरली कोस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा, मतलब सीकेंट 60 2/1, कोस का उल्टा होगा। और इसी तरह से टेन का उल्टा होगा कोट थीटा, मीन्स कोट 60, टेन 60 है √3, तो कोट 60 होगा 1/√3। तो आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अगर पहले याद नहीं थी तो अभी वीडियो को पॉज करो और इन सबको याद कर लो, तभी आगे बेनिफिट होगा। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं यही अज्यूम करके बताऊंगा कि आपको ये सारी वैल्यूज बाय हर्ट याद हैं। नहीं याद हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके याद कर लो। आगे स्टार्ट करते हैं फिर। द वैल्यू ऑफ कोस 1, कोस 2, कोस 3 एंड सो ऑन अंटिल कोस 179। तो यहां पर बीच में आया होगा कोस 90, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, बीच में 90 तो आया ही होगा। और कोस 90 होता है 0, तो 0 इंटू समथिंग, सारी सीरीज 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, और साइन थीटा 60 डिग्री के ऊपर √3/2 होता है हमेशा, अगर आपको याद हो तो इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, और 3 इंटू 30 दैट विल बी 90। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, साइन 90, जो कि होता है 1, ऑप्शन डी। साइन समथिंग इज इक्वल टू 3/√12, तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 12 क्या होता है, 4 इंटू 3, तो 4 जब बाहर जाएगा रूट से तो 4 का 2 बन जाएगा और 3 अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा √3/2। और साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर है, मीन्स थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 60, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30,
और फिर हमसे पूछा गया है फाइंड कोस स्क्वेयर 30। कोस 30 होता है रूट 3/2, तो कोस स्क्वेयर 30 होगा 3/4, ऑप्शन बी। 4 sin² θ - 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 4 sin² θ इज इक्वल टू 1, ये 1 उधर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो sin² θ इज इक्वल टू 1/4, sin θ इज इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट किया, और sin θ 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने निकालना है cos² 30 + tan² 30। cos² 30, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वेयर प्लस 1/√3 का स्क्वेयर, तो इट विल बी 3/4 प्लस 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4 3 12, तो आंसर हो जाएगा 13/12, मतलब ऑप्शन ए। इफ 10 a + b इज इक्वल टू √3, तो 10 √3 कब होता है? 10 √3 होता है 60 डिग्री पे, इसका मतलब ये जो एंगल है इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, मीन्स a + b इक्वल टू 60 डिग्री, और 10 1/3 होता है 30 डिग्री पे, इट मीन्स a - b इज इक्वल टू 30। तो यहां पर आपसे पूछा गया है a, तो ये सिचुएशन जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो कई बार आती है कि a + b इज समथिंग, a - b इज समथिंग, तो ध्यान रखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास होगा 2a, तो दैट इज 90। तो जब भी इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है a का डबल, और जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे तो आपके पास आएगा b का डबल, मतलब 60 - 30 = 30। इन फ्यूचर ये काम आएगा कि a + b a - b अगर गिवन है ऐड करोगे तो ए का डबल, और इनका डिफरेंस होगा बी का डबल, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 45, बी की वैल्यू हो जाएगी 15, लेकिन यहां पे सिर्फ ए की निकालनी थी, आंसर हो जाएगा सी। sin a - b इज हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 पे, तो इसका मतलब a - b की वैल्यू क्या है? 30। cos a + b इज हाफ, कोस की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 पे, मीन्स a + b इज इक्वल टू 60, तो वही सिचुएशन फिर से आ गई, a + b इज 60, a - b इज 30। तो अब आपने निकालना है a + b, तो देन द वैल्यू ऑफ b, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास ए का डबल आएगा, अभी बताया 60 और 30 90, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बी का डबल होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 30, मतलब बी की वैल्यू है 15। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो पाई के टर्म्स में है, तो एक और बात ध्यान रखो कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऑप्शन ए आपको क्या बोल रहा है? 180/6, 30 डिग्री। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है 180/12, तो 12 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 15, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर। इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स एंड sin 4 α - β इज इक्वल टू 1, तो sin 1 कब होता है? 90 के ऊपर, मतलब 4 α - β इज इक्वल टू 90। एंड कोस कब होता है? 1/2, कोस 1/2 होता है 60 के ऊपर, मतलब 2 α + β इज इक्वल टू 60।
अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा, बीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, वी विल हैव 6 अल्फा इज इक्वल टू 90 और 60, 150। तो दोनों साइड 6 से कैंसिल करने पे अल्फा विल बी इक्वल टू 25। अल्फा की वैल्यू आ गई 25, कहीं पे भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60। अल्फा की वैल्यू रखते हैं 25, तो 25 × 2 50, तो 50 अब उस साइड जाएगा, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, तो बीटा की वैल्यू आ गई 10। अब हमसे पूछा क्या है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा की वैल्यू है 25, बीटा की वैल्यू है 10, तो 2 बीटा 2 × 10 20, 25 प्लस 20 45। मतलब एग्जामिनर ने हमसे पूछा है साइन 45, और वो होता है 1/√2, मतलब ऑप्शन डी। 4 cos² θ माइनस 4√3 cos θ प्लस 3 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, और थीटा क्या है, 0 और 90 के बीच में है या 0 और 90 के बराबर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज आपको इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू पता है इन एंगल्स के ऊपर, तो सीधे सीधे ऑप्शन पुट करके देख लो। तो सबसे पहला ऑप्शन पुट करते हैं 30, कोस 30 होता है √3/2, तो 4 × √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 4√3 cos 30, वो होता है √3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब अगर ये 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। तो हेयर वी हैव 3, देन 2 2 जा 4, √3 × √3 होगा 3, तो इनसे बन गया 3, 3 दूनी 6, इस सारे का बन गया 6, तो -6 प्लस 3 प्लस 3, इन दोनों का बन गया +6, तो -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो आप नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते, फिर भी नहीं करता तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते, ऐसे एंड सो ऑन आप कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बिकॉज आपको इनकी वैल्यूज अगर टिप्स पे याद है तो कम टाइम में हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको इक्वेशंस के वे से इसको करना पड़ेगा। इफ 2 sin² θ माइनस 3 sin θ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, थीटा बींग पॉजिटिव एंगल, देन द वैल्यू ऑफ थीटा आर। तो फिर से हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और जब भी आपको मौका मिले तो आप हमेशा सबसे पहले चेक करोगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को, बिकॉज 0 डिग्री एंड 90 डिग्रीज की वैल्यूज को हम बहुत जल्दी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें ऑप्शन ए के अंदर 90 मिल रहा है, तो इसको सबसे पहले चेक करके देखते हैं। sin 90 होता है 1, तो 2 × 1 2, 3 × 1 3 + 1, तो 2 + 1 3, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिए 90 सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी और ऑप्शन में 90 है नहीं, और बिकॉज ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन थीटा की दो वैल्यू आनी थी, तो एक वैल्यू तो होगी 90, हमें यहां से पता लग गई, कहीं और भी 90 है नहीं, तो आपको 30 चेक करने की नीड नहीं है, यही आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज एक वैल्यू 90 हम श्योर हैं और कहीं और 90 है नहीं। अगर किसी और ऑप्शन में भी 90 होती तो 30 को भी चेक कर लेती, बिकॉज साइन 30 क्या होता है, हाफ, तो 2 × ½ का स्क्वायर 1/4 माइनस 3 × ½ प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1/2 और 1, तो पॉजिटिव का 1 और आधा 1.5, पॉजिटिव का 3/2, नेगेटिव का 3/2, फिर से सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन ए। एक्स माइनस एक्स 10² 30, इन दोनों में से
एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा वन माइनस टेन स्क्वेयर थर्टी। तो वन माइनस, अब टेन थर्टी होता है वन बाई रूट थ्री, तो वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर थर्टी, वो फिर से वन बाई थ्री, वन प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू साइन थर्टी इज वन बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई फोर प्लस कोट फोर्टी फाइव इज वन, देन सीकेंट स्क्वेयर सिक्सटी। सीकेंट होता है कोस का उल्टा, तो कोस सिक्सटी होता है वन बाई टू, तो वन बाई टू का उल्टा होगा टू, तो टू का स्क्वेयर इज फोर, तो यहाँ पे आएगा फोर इंटू वन फोर, यहाँ पे आएगा माइनस फोर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज वन बाई फोर। वन माइनस वन बाई थ्री दिस इज टू बाई थ्री, वन प्लस वन बाई थ्री दिस इज फोर बाई थ्री, और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि टू बाई थ्री फोर बाई थ्री का हाफ है टू बाई थ्री, तो ये सीधा सीधा x बाय टू, ये टू पे कैंसिल हो जाएगा, x बाय टू इज इक्वल टू वन बाई फोर, देयर फोर एक्स विल बी इक्वल टू वन बाई टू, और यहाँ पे x की वैल्यू ही पूछी गई है, मतलब ऑप्शन सी। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और अलग अलग एंगल्स हैं, ये सारी वैल्यूज हमें याद हैं, बाई हर्ट याद हैं, तो जल्दी जल्दी पुट करते हैं। कोस स्क्वेयर 45, कोस 45 इज वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू का स्क्वेयर वन बाय टू। अब आगे है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर 60, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा यहाँ पे, पर जिस भी चीज से डिवाइड करना होगा उसके उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात एक ही होती है। अगर 2 बाय 3 से डिवाइड करना होगा तो मैं इंटू 3 बाई 2 कर दूंगा, साथ साथ में लेके चलेंगे, तो साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 का स्क्वेयर 3 बाई 4, तो इंटू 4 बाय 3 प्लस कोस 60 इज 1 बाय 2, 1 बाय 2 का स्क्वेयर 1 बाई 4 इंटू साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वेयर 1 बाय 2, तो 2 बाई 1 माइनस टेन थर्टी, टेन थर्टी इज 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का स्क्वेयर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय कोट 45, कोट 45 इज 1, तो 1 से डिवाइड करने की नीड नहीं है, रहने दो इसे, माइनस साइन स्क्वेयर 30, देन साइन 30 इज 1 बाय 2, 1 बाय 2 का स्क्वेयर 1 बाय 4 डिवाइडेड बाय कोट 30, कोट 30 टेन थर्टी का उल्टा होगा, और टेन थर्टी है वन बाय रूट थ्री, तो कोट 30 होगा रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वेयर 3, अब 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, इंटू 1/3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हेयर वी हैव, ये है 2/3, 1/2, 1/3, 1/12, तो आप सीधे सीधे देख रहे होगे कि 4 × 3 = 12, नीचे 12 है, ये 3 है, 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, ये 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, तो मैं 12 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 3 × 4 = 4 × 2 = 8 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 1, तो 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 5 दैट इज 9, 9/12 तो 3/4, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। द वैल्यू ऑफ 152 इंटू, ये बहुत लंबी सी एक्सप्रेशन है, तो पक्का इसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा, तो इसे सॉल्व करते हैं। 152 इंटू साइन 30, साइन 30 इज हाफ, प्लस 2 इंटू कोस स्क्वेयर 45, और कोस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वेयर होगा 1/2, तो दिस इज 2 इंटू 1/2,
प्लस 3 इंटू साइन 30 इज अगेन 1/2, 3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू फिर से कोस स्क्वेयर 45, यहाँ पे भी कोस स्क्वेयर 45 था, 1/2 देगा 1/2, तो अभी सीरीज पता लग गई होगी, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 एंड सो ऑन, ये काम कब तक चलेगा, 18 इंटू 1/2। तो सिंपल है, 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, तो सारे नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में 1/2 है, तो 1/2 को बाहर निकाल लो, 152 इंटू 1/2, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 18, तो नेचुरल नंबर्स का सम है और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 152 को अब मैं 2 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 76, 2 से डिवाइड कर दोगे तो, इंटू यहाँ पे होगा n, दैट इज 18 इंटू 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 2, अब इस 2 से भी इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 9 जा, तो हमारे पास है 19, देन यहाँ पे है 9 और 76 क्या है, 76 है 19 चौके 76। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास ये टोटल नंबर मिला है 19, 9 4 19, तो 19 9 4 इंटू 19 इंटू 4 इंटू 19, तो एक 19 है, एक और 19 है, तो दो 19 है, ये जो 4 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो 9 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास जो नंबर मिला है वो इंटीजर है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है, बिकॉज इसके अंदर जोड़े हैं, देखो 19 19, 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक खुद परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि हमारा आंसर होगा ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और कुछ भी अगर आपने फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप चाहते हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज का देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।